नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के एनआईटी कैंपस से जुड़ी हुई। इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब तक आरोपों में घिरी पुलिस ने उल्टा छात्रों के खिलाफ 2 FIR इस मामले में दर्ज कर दी है। इसमें पुलिस ने श्रीनगर NIT में लाठीचार्ज के लिए छात्रों को जिम्मेदार ठहराया है। उन पर आगजनी, दंगा और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया है। इन आरोपों को देखते हुए छात्रों पर 2 FIR दर्ज कर दी गई हैं। यानी अब तक तमाम लोग जो पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे थे, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, विरोध किया जा रहा था इस कार्रवाई का, लेकिन उल्टा पुलिस ने ये कहा है कि छात्र खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं जो लाठीचार्ज हुआ। इसके अलावा आगजनी, साथ ही दंगा भड़काने और तोड़फोड़ करने के आरोपों के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने छात्रों पर 2 FIR दर्ज की है। इस FIR में सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, आगजनी, तोड़फोड़, दंगा फैलाने के ये गंभीर चार्जेस लगाए गए हैं। श्रीनगर में NIT जहां पर कैंपस विवादों में घिरा हुआ है, और इस पर एक ताजा अपडेट जो आया है वो हमने आपको दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने NIT कैंपस पहुंचकर पुलिस को दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होगी। NIT श्रीनगर में तनाव बना हुआ है। गैर कश्मीरी छात्रों का आरोप है कि NIT प्रशासन जानबूझकर हालात को वहां पर सामान्य बता रहा है, लेकिन डर का माहौल है। अब भी गैर कश्मीरी छात्रों को धमकियां मिल रही हैं, और ऐसे में छात्रों की ये मांग है कि कैंपस को श्रीनगर से बाहर सेट किया जाए। साथ ही HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी उनसे मुलाकात करें, उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, और उसके बाद ही वो वापस कैंपस ज्वाइन करने पर विचार करें। लेकिन इस बीच ये 5 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कैंपस के बदले हुए हालात पर। छात्रों की पिटाई का ये मामला जो तूल पकड़ता चला गया, और उसके बाद जब तस्वीर पूरी तरह से खुलकर सामने आई, तो T20 मैच के बाद वहां जो हंगामा हुआ, छात्रों की पिटाई, और अब पुलिस ने 2 FIR उल्टा छात्रों पर कर दी है। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में, सूखे को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने IPL के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि IPL के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी? But don't you worry, the show looks fantastic.